हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो आज हम बोया MM1 शॉटगन वन डायरेक्शन माइक का रिव्यू करने वाले, टेस्ट करेंगे इसको अच्छे से एक्सट्रीम कंडीशंस में, ट्रैफिक में, फुल ऑन ट्रैफिक में, चौरस्ते पे, घर पे, छत पे, ऑल द बिजी एरियाज हम जहाँ जा सकते हो वहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है कैसा नहीं। ये भी आप वॉइस उसी माइक से आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा सेटअप अजीब लगेगा, जस्ट बेयर विथ इट बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको और टेक से रिलेटेड वीडियोज चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एंड लेट्स रिव्यू। मैं इस रिव्यू को भी ब्लॉग की तरह ही रखना चाहूँगा बिकॉज एक कनेक्शन है, ब्लॉगिंग की आदत जल्दी से मेरी जान जाती नहीं, तो इसका रिव्यू भी मैं ब्लॉगिंग के साथ में दे रहा हूँ। बस स्टार्ट ऐसे कर रहा हूँ तो बाकी वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कैसा माइक है कैसा नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन में कैसा जा रहा है कैसा नहीं। तो मैंने पूरा सा शूट थोड़ा सा शूट कर लिया है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो यस, व्लॉगिंग सेटअप इज डन। आई होप आपको क्लियरली आवाज़ आ रही होगी। मैं जितना कम बात कर रहा हूँ आई होप आपको आवाज़ उतनी ही अच्छी आ रही होगी। हवा भी बहुत अच्छी खासी है तो माइक का टेस्ट भी हो जाएगा। आई कैन सी द वेदर, बहुत ही प्लीजेंट सा है तो हम बाहर कहीं भी जा सकते हैं। सो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा चिल आउट करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं। तो बस वी आर वेरी 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 क्लोज टू चैनल मोनेटाइजेशन। वी जस्ट नीड अ फैमिली ऑफ 300 मोर। तो जल्दी से जल्दी 300 सब्सक्राइबर्स कर दो, चैनल को शेयर करो जितना हो सके उतना, नए लोगों को बताओ। एंड वी आर ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्टेंट जल्दी आने वाला है। ब्लॉगिंग से हट के भी और कुछ आपको देखने को मिल सकता है। मेरी बार बार नज़र वो डेड कैट पे जा रही है। तो ब्लॉगिंग से हट के भी आपको अच्छे से वीडियो देंगे। दिस इज हाउ अ सेटअप लुक अलाइक। योर माइक शुड अटैच। ये माउंट मैंने अलग से लिया है, ये तो मेरे पास ही था, ये माउंट अलग से लिया है एंड ये अटैच नहीं हो रहा था तो ये अलग से लेना पड़ा। डेड कैट स्टैंड माइक एंड केबल एंड दिस आईफोन के लिए एक अलग सा केबल लगता है आपको। दिस इज़ द एप्पल लाइटनिंग केबल, 3.5 mm का कुछ लाइटनिंग केबल है एंड दिस इज़ ओरिजिनल वर्थ 900। ओरिजिनली काम करेगा, इफ़ नॉट काम नहीं करेगा, वेस्ट है लेके। कहीं भी 300-400 के मत लेना, ओरिजिनल ही लेना, ठीक है। हो गई है एंड ही इज टेस्टिंग हिज ओन फोन। लेट्स सी हाउ आउटपुट कम्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो क्लिप भी आपको डालना है और देखते दूर से आवाज आता है या नहीं। मैं नॉर्मल वॉइस ही बात कर रहा हूं और मैंने ये दूर अभी मैंने टेस्ट किया था तो कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो लेट्स टेस्ट दिस इन द एक्सट्रीम कंडीशंस आल्सो। खुला हाईवे पे आए हम लोग तो हाईवे में भी आपको आवाज मिलेगी। गाड़ी चलाना नहीं आता तेरे को, फिर गिरा रहा कहीं को। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चला गाड़ी। आई डोंट नो आवाज आ रही है नहीं आ रही है एंड वी आर गोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। तो यस, यही है कि आप ज़्यादा स्पीड अगर आप चलाओगे तो माइक आपका कैप्चर नहीं कर पाएगा। डेड कैट था इसके ऊपर बट फिर भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी हवा की। बाकी आप लोग घर पे बैठे बैठे इसको अच्छे से व्लॉग शूट कर सकते हो एंड पब्लिक एरिया में भी जाके शूट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप ट्रैवल करते टाइम पे इस अच्छी स्पीड पे नहीं। एज यूजुअल कर सकते, बहुत सारे जगहों पे जाके टेस्ट करना पड़ रहा है माइक को। आपके माइक के टेस्ट के लिए हम लोग थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा पास जा रहे हैं, क्राउडी एरिया में, ट्रैफिक एरिया में, हर जगह पे, हर पॉसिबल जगह पे जाके हम लोग व्लॉग करेंगे, देखेंगे माइक कैसा कंपैटिबल है नहीं है। तो लेट्स गो एंड सी हाउ इट गोइंग। आई डोंट नो, आवाज़ भी आ रही है, एक्सट्रीम फुल कंडीशन। अब देख सकते हो कितना क्राउड है। इस जगह पे हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, टोटली आइडिया नहीं है कैसा आ रहा है कैसा नहीं। आवाज़ आपको करेक्ट आ रही है या करेक्ट नहीं आ रही है, ये तो गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है पहली बात, ठोक देगा पक्का, गारंटी आज। तो फुल क्राउडी जगह थी पीछे, तो आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। इफ नॉट RIP टू माई बॉय माइक एंड RIP टू माई 3000। आई डोंट नो व्हाट इट्स
किया था मैंने, बट आई डोंट नो कैसा है कैसा नहीं। आवाज़ भी अभी भी आ रही है, कट कट के आ रही है, नो आइडिया। हवा भी चल रही थी, आई डोंट नो कैसा है कैसा नहीं। पेट्रोल पंप पे हम लोग, पेट्रोल पंप पे हम माइक टेस्ट कर रहे हैं शुजी के साथ। तो और तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही हम लोग रुक गए वहाँ पे माइक अच्छा सा कैप्चर कर रहा है ऑडियो को, पब्लिक एरिया में नहीं कर रहा है। बहुत सी वैरायटी है पे। वे प्रोटीन 100 रुपये। कितना कितना डालते हो उसके अंदर? प्रोटीन है। वे प्रोटीन में नहीं है, प्रोटीन से नहीं है। ओके, तो मतलब एक स्कूप डालते हो उसके अंदर, एक चम्मच, दो स्कूप वे प्रोटीन 100 रुपये। अच्छा चाहिए तो आप आके ले सकते। नेचुरल प्रोटीन शेक, ब्लूबेरी प्रोटीन शेक, ठीक है ले। क्या होना चाहिए? लस्सी, बनाना लस्सी, मैंगो लस्सी, मैंगो लस्सी। तो यस, दिस वॉज अ वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इससे रिलेटेड अब एक ही दिक्कत मेरे को आ रही है, कनेक्शन या तो सही से नहीं हो रहा है मेरे आईफोन के साथ, या फिर ज़्यादा हवा की वजह से। वो डेड कैट तो मैंने लगाया है बट फिर भी आवाज़ आई डोंट नो ऐसी क्यों आ रही है। तो यस, आप देख लो आपके हिसाब से कि कैसा बैटर है कैसा नहीं, आप आपके हिसाब से देख लो कैसा बैटर है कैसा नहीं। डेड कैट मैंने लगाया फिर भी मेरे को आवाज़ थोड़ी सी बैट बैट के आ रही है। आप व्लॉग में तो देखा ही होगा कैसी आ रही है कैसा नहीं। तो और इसके साथ एक स्पेशल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप आईफोन से ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको ये माइक ले रहे हो तो वो जो केबल है वो ज़रूर आपको ओरिजिनल एप्पल के वेबसाइट से ही मंगाना, एप्पल के वेबसाइट से नहीं बट प्रोडक्ट ओरिजिनल होना चाहिए। मार्केट में भी मिल जाते हैं 200-300 में, तो वो डजंट वर्क, मैं काम नहीं कर रहे, तो वेस्ट है वो, मत लो प्लीज़, डोंट, पैसा बेकार जाएगा। तो ओरिजिनली लेना, ओरिजिनली काम करेगा इसके साथ। और बाहर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, सब लोग आपको देखते हैं ऐसे 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 घूर घूर के, बट मेरे लिए ऐसा नहीं, फर्स्ट टाइम जो शुरू कर रहा है वो सब देख के कर लीजिए। एंड थर्ड थिंग इज जो इसका कनेक्शन जो है एक्यूरेट, अगर बैठा हो गया तो आवाज़ आपको नहीं आएगी, पता नहीं आपको आ रही है नहीं आ रही है आवाज़ ठीक से, मेरे को ये भी पता नहीं हो रहा, एडिटिंग के वक्त मेरे को पता चलेगा। तो यस, वो कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है या क्या इशू है क्या नहीं मेरे को नहीं पता, माइक का इशू है या ज़्यादा हवाई की वजह से ऐसा हो रहा है, या वन डायरेक्ट तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ बट पता नहीं क्या क्या इशू हो रहा है, देखते हैं। या इसको फाइंड आउट करने में मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो लेके शूट किया है बाहर जाके। तो यस, आप देख लो सारे प्रोडक्ट जितने भी गियर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी इसी वक्त जो वीडियो शूट करने में, या मेरे पूरे चैनल पे जितने भी जो भी चैनल मैंने इधर तक लेके आया, जो भी गियर्स मैंने यूज़ किए उन सब के प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर लो, और उसी लिंक से बाय करना, ठीक है? अगर आप ले रहे हो तो लिंक से बाय कर लो, अगर नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं। और क्या बोल सकते हैं उसको, कनेक्शन ठीक से बैठ नहीं रहा था, जब तेज़ हवा आ रही थी जब जो भी बोल रहा था वो कैप्चर नहीं हो रहा था, वायरिंग का इशू होगा या क्या इशू है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं हो रहा है। वो 2-3 दिन के बाद, और जैसे ही मैं एक और वीडियो शूट कर रहा हूँ, कंप्लीट व्लॉगिंग सेटअप आप कैसे कर सकते हो अगर न्यू ब्लॉगर हो या आके थोड़ा सा टाइम हो गया, एक सेटअप चाहते हो कि व्लॉगिंग सेटअप हो मेरा तो कैसे चलता है कैसा नहीं, उसके वीडियो उसके बेसिस पे भी वीडियो आ रही है, उसके ऊपर भी वीडियो आ रही है, उस वीडियो में भी हम इसको कवर कर लेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं, ठीक है? तो अगर इसको इन डिटेल रिव्यू चाहते हो कि इसका पूरा कंप्लीट A to Z कैसा चलता है कैसा नहीं, तो आप मेरा अगला वाला, इसके बाद वाला वीडियो देख लो, वो कैसा पता चलेगा, नीचे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करो, तो मैं जब भी वीडियो डालूँगा आ जाएगी और नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ रही है। तो इन डिटेल कंप्लीट एवरी सिंगल डिटेल अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वाली वीडियो तब तक के लिए देख लेना, ठीक है? टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, टेक केयर।